बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन अंगारा की रेसिपी लेके आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन अंगारा घर में कैसे बनाते हैं, चलिए जी देख लेते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और माशाल्लाह से आपने मेरे सूरती घारी की रेसिपी को बहुत पसंद किया है, इसके लिए बहुत सारा आपका जजाय खैर। अच्छा जी, इसके लिए मैंने 500 ग्राम के करीब अड्डी वाली चिकन ले ली थी, और आप चाहो तो बोनलेस भी ले सकते हो। और इस चिकन को अच्छे से वॉश करके मैंने एक छन्नी में इसको सारा पानी छान लिया था और इसको ड्राई कर ली थी। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून पूरा भर के चिकन अंगारा मसाला डाला था, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 टीस्पून के करीब होममेड गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने डाली थी हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने डाला था कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसका कलर बहुत बेहतर आएगा। अब इसमें पानी मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा और पूरी डिश में मैं अदरक लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी। अब इसको मैं स्मोक लगा दूंगी। सारे मसाले मैंने चिकन में लगा दिए थे और इसमें स्मोक लगा के मैंने इसको ढक के ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसके बाद मैं 2 प्याज को मैंने बारीक वाला काट लिया था और इसका मैं बिरस्ता रेडी कर लूँगी। और जैसे ही गोल्डन हो जाएगी ना तो प्याज को मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह से प्याज का बिरस्ता मेरा अच्छे से रेडी हो गया था, गोल्डन गोल्डन हो चुका था ना, तो मैंने इसको निकाल लिया था। यही ऑयल में मैं फिर बाद में चिकन को पकाऊँगी। इसके बाद मैंने 10 से 12 काजू ले लिए थे। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन काजू से इसकी ग्रेवी का जायका बहुत बेहतर आता है। तो मैंने बिरस्ते को छोटा छोटा कर दिया था ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और यहाँ से 10 से 12 काजू ले लिए थे और बिरस्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के करीब दही डाल दी थी। ये मेरी होममेड दही है, ज़्यादा खट्टी वाली नहीं है। दही डालने के बाद ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो चुकी थी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी होममेड मेरा जो बटर था ना, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें बटर डाल दूंगी। और बटर डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से वापस से ग्राइंड कर लूंगी। अब वही ऑयल को मैं गरम कर लूंगी और उसमें मैं कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ही मैं डालूंगी चिकन अंगारा मसाला, और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से लिया था। सॉल्ट मैंने मैरिनेट करने में भी डाला था और मसालों में भी डालूंगी, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अच्छा जी, अब थोड़ा से पानी डाल के ये मसाले की मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इसमें भी मैंने अदरक लहसुन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो, पर चिकन अंगारा में आप ना डालें तो भी इसका जायका बहुत बेहतर आएगा। अच्छा जी, और जो चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके रखा था वो भी मैंने मसालों में ऐड कर दी है। अब ये सारी चीज़ों की मैं भुनाई कर लूँगी ताकि तेल इसका बाहर आ जाए और अच्छे से पक जाए। उसमें मैं 2 टमाटर की क्यूब डालूंगी। अगर आपके पास क्यूब नहीं है तो आप 2 टमाटर को ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हो। अब इसको मैं मीडियम आंच पे पका लूंगी ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए और मसाला भी अच्छे से भून जाए। और वो जो चिकन थी जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी ना, वो सारी चिकन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और चिकन डालने के बाद मैं इसको ढक के ऐसे ही छोड़ दूँगी मीडियम आँच पर 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और मसाले भी अच्छे से भुनाई पे आ जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके थे, दही ने अपना पानी छोड़ दिया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से चिकन पक गई थी। अब मैं इसमें होममेड मेरी जो मलाई थी ना, वो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डालूंगी। मलाई को मैंने फैट लिया था, उसके बाद मैंने इसको डाल दिया था। आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। और गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। अब इसे मैं डिसआउट कर दूँगी। और आपको आज की मेरी माशाल्लाह से चिकन अंगारा की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं जी। उसके बाद मैंने इसमें स्मोक लगा दिया था। जाहिर सी बात है, चिकन अंगारा है तो उसमें स्मोक लगाना ज़रूरी है ताकि इसमें बहुत अच्छे से जायका आएगा, खुशबूदार चिकन अंगारा बनेगा। अब इसके बाद मैंने इसे डिसआउट कर दिया था। और आपने मेरे सूरती घारी की रेसिपी को बहुत पसंद किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह से मुझे इतने सारे व्यूवर्स मिले हैं और सब्सक्राइबर भी मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और मैंने इसे डिसआउट कर दिया था। ऊपर से मैंने थोड़ी सी मलाई और डाल दी थी और कुछ धनिए के पत्ते डाल दिए थे और एक हरी मिर्च को कट करके डाला था। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी जी नेक्स्ट वीडियो में। चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।